आज हम बनाएंगे आंवले की खट्टी मीठी चटनी। इसे कहीं कहीं पे लौंजी भी कहा जाता है। आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम और फाइबर होता है। इस फल को किसी न किसी रूप में अपनी डाइट में जरूर से जरूर शामिल करना चाहिए। और आज हम आंवला की चटनी इस तरीके से बनाएंगे कि उसके सारे पौष्टिक तत्व तो उसी के अंदर ही रहेंगे। और आंवला हमें सर्दी, खांसी और बैक्टीरियल बीमारियों से भी बचाता है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल रीता गुप्ताज किचन। चलिए शुरू करते हैं। आंवला की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमने लिए हैं ये 250 ग्राम फ्रेश आंवले। आंवले लेते समय इस बात का हमें ध्यान देना है कि आंवला कहीं से दागी ना हो, गले ना हो और थोड़े बड़े साइज में हो। और अगर थोड़ा पत्तियों का दाग है तो वो चलेगा। यहाँ हमने चटनी बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये 200 ग्राम गुड़ है, 2 बड़े चम्मच चीनी है, 1 स्पून सौंफ, 1 स्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून सादा नमक, 1/2 स्पून पीसी मेथी, 1 स्पून दरदरी खड़ी धनिया, 2 पिंच हींग, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और 1 स्पून जीरा पाउडर। सबसे पहले हम आंवलों को साफ पानी से धो लेंगे। फिर अब हम इसे बॉईल करेंगे। उसके लिए बर्तन में पानी गरम करेंगे और सारे आंवले डालकर प्लेट से ढक देंगे। थोड़ी देर के लिए इसे पकने देंगे। करीब 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो ये देखिए, आंवला कई भाग में फट गया है और ये अच्छी तरीके से पक चुका है। गैस ऑफ कर देंगे और आंवला पानी से बाहर निकाल कर इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इस तरीके से इसकी फांके अलग कर लेंगे और गुठली हटा देंगे। ये देखिए, सारी फांके अलग कर लिया है और गुठलियां हटा दी है। अब इन्हें थोड़ा हाथों से मैश कर लेंगे। चाहे तो आप मैशर का भी यूज कर सकते हैं। अब एक बर्तन में 2 स्पून ऑयल गरम करेंगे। अब ऑयल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे सौंफ, धनिया, कलौंजी, मेथी, हींग और इसे चलाते हुए थोड़ा सा भूंज लेंगे ताकि इन सभी चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से तेल में आ जाए। मैंने यहाँ सरसों का ऑयल यूज़ किया है। ये चटनी सरसों के ऑयल में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आप चाहें तो कोई भी ऑयल, घी या बटर यूज़ कर सकते हैं। और अब बॉयल और थोड़ा मैश किया हुआ आंवला डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इन्हें अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद फ्लेम मीडियम कर लेंगे और चटनी को मीठी करने के लिए इसमें चीनी ऐड करेंगे और थोड़ा गुड़ भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो केवल चीनी डाल सकते हैं और चाहें तो केवल गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ दोनों चीज़ ऐड किए हैं। इससे चटनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। गुड़ में क्योंकि काफ़ी मात्रा में आयरन होता है जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और इससे चटनी का कलर भी अच्छा सा डार्क हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें नमक ऐड करेंगे, काला नमक भी डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और प्लेट से ढक देंगे, जिससे आंवले के अंदर जो पानी है उसी से गुड़ गल जाएगा। अलग से पानी बिल्कुल नहीं डालना है। ये देखिए, अब गुड़ मेल्ट होने लगा है। अब इसमें थोड़े और मसाले ऐड कर लेते हैं। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से आंवले में मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो कर लेंगे। लो फ्लेम में ही इसको हम धीरे धीरे पकने देंगे, जिससे चटनी में सोंधापन आता है और अच्छे से गल के चटनी पकती है। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे जिससे चटनी बर्तन के तले में चिपके ना। तो ये देखिए, गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है और अब इसे हम ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, थोड़ी पतली ही रखेंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा थिक अच्छा नहीं लगता। खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है और अब इसे हम ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, थोड़ी पतली ही रखेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद
और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा थिक चटनी अच्छी नहीं लगती। गैस ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। चटनी ठंडी होने के बाद आप इसे किसी भी कांच के कंटेनर में या फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर में भर के रख लीजिए और जब खाने का मन करे तब आप निकालिए और खाइए। पर आप जब भी चटनी निकालें सूखे चम्मच से और साफ चम्मच से निकालें। ये चटनी आप ही लंबे टाइम तक रख के खा सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। आंवला हमारे बालों, आँखों और स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। आंवला की हम चटनी, मुरब्बा, अचार चाहे जो भी बना के खाएं, हर तरीके में आंवला हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये हमारी आंवले की खट्टी मीठी और स्वादिष्ट चटनी, पूड़ी, पराठा, कचौड़ी, पकौड़ी चाहे जिस भी चीज़ के साथ खाने के लिए बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सजेशन कमेंट करके बताएं। न्यू अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।